भिलाई सेक्टर 2 वार्ड 56 की भाजपा प्रत्याशी जय ललिता ने अपनी आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं। वहीं वार्डवासियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को भी सुन रही। सेक्टर 2 वार्ड 56 की भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जय ललिता का कहना है कि इस क्षेत्र में विकास की कई योजनाओं को रोक लगाने के लिए शहरी सरकार ने कार्रवाई की थी। अब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके बाद इस क्षेत्र का कायाकल्प को परिवर्तित किया जाएगा। पूर्व पार्षद व वर्तमान पार्षद प्रत्याशी जय ललिता के पति जय श्रीनिवास का कहना है कि इस वार्ड में उद्यान बनाने का प्रस्ताव निगम सरकार के समक्ष रखा गया था, किंतु राजनैतिक बैर भाव की वजह से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम इस वार्ड को अपना घर व वार्डवासियों को अपना परिवार मानते रहे हैं। अब हमारी सरकार बनने के बाद उन सभी लंबित योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। और अभी वर्तमान में जी ललिता लड़ रही, चुनाव लड़ रही है, और हमारा मुद्दा ये था, वार्ड 56 का मुद्दा ये था, जो हमारे जो रुके हुए कार्य थे, जो मेरा सपना था कि यहाँ पर गार्डन का था, जो पेयर पर लगने का था, जो वर्तमान सरकार ने हमारे सारे काम को रोक दिया। हमारा एक एजेंडा रहेगा कि जो काम रुके हुए हैं उस काम को पूर्ण करने का। और मेरा वार्ड, मेरा परिवार है, जो पूरे परिवार के साथ मेरे साथ दे रहे हैं। हम लोग घर घर जा रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि जो काम जो रुके हैं उस काम को कैसे भी कराना है, जो मेरा पहले प्राथमिकता है। और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि पूरा वार्ड के जो लोगों का हमें प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। जी, इस बार सुनाई दिया कि आपकी जिम्मेदारी और भी 5300 वोटों से बढ़ चुकी है। जी जी। तो इस बार आप अपने उन वार्डवासियों को और जो भी आप चुनावी मुद्दा है, आप क्या करना चाहेंगे और संदेश क्या देना चाहेंगे उनको? जो पहले 5000 वोटर थे, अभी और बढ़ गए हैं। और मेरा संदेश रहा है कि हमें सेवा करने का मौका मिला, कुछ वार्ड और जुड़े हैं, तो हमें खुशी है कि हमें और सेवा करने का मौका मिलेगा। और हम लोग घर घर जा रहे हैं कि अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमको जो बहुत परेशान किया गया था, इस बार हमारी सरकार आती है तो हम सब मिलकर एक परिवार की तरह हम लोग उस काम करेंगे। और जो हमारे वार्ड का जो काम रोका गया है, ये पूरा वर्क ऑर्डर है, जो कार्यदेश होने के बाद काम रोका गया, जो बड़े बड़े मुद्दे थे, जो बड़े गार्डन बनने का था, जो बैक एंड में जो पत्थर लगने का था उस काम को रोका गया, हर सड़क में नाली बनने का था उसको रोका गया। तो हम लोग तो बहुत दुखी है, लेकिन इस बार हमारी सरकार आती तो हम बिल्कुल पूरा काम करेंगे। और अपने वार्ड वाले से मैं अपील करता हूँ कि बिल्कुल हमें एकदम आप लोगों का प्यार आशीर्वाद जैसे हर बार मिलता रहे, इस बार मिले। जो काम ये लोग रोके हैं उस काम को हम लोग पूर्णता करेंगे। और भी जिम्मेदारी है, और मैं सदी की करूँगा कि आप सब लोग का प्यार आशीर्वाद हमें प्राप्त होना चाहिए। अपने जनसंपर्क के दौरान अपनी महिला समर्थकों के साथ जनसंपर्क में जुट गई हैं, उन्हें व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 56 में रहते हैं। तो इस बार आप चुनाव के रूप में जो पार्षद खड़े हो रहे हैं, चुनाव के समय जो पार्षद खड़े हो रहे हैं, उस समय आप पार्षद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जय ललिता को। जी, इसकी कोई वजह? जी, उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, पहले आगे उनके और जो कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। सब चीज में सहयोग, कोरोना काल में सब चीज में सहयोग दिए हैं। कोरोना काल में कैसा योगदान रहा उनका, किस प्रकार का रहा? राशन दिए हैं, स्वास्थ्य के लिए सबके घर जा जा के जागरूकता फैलाए हैं, सबकी मदद किए हैं। सबके किए हैं। जी जी जी। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट।